नहीं, भागलपुर में ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। खाना पीना खाने हुई है। बिहार की पुलिस प्रशासन हुई फेल। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक मोहल्ले में एक घर में हुआ भीषण धमाका। बम धमाके से 3 लोगों की गई जान। आसपास के मकान मलबे में तब्दील हुए। मलबे में बहुत सारे लोगों की जानें अटकी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। जैसे जैसे मलबा निकलेगा, लोग निकलेंगे, तब पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत हुई है बम धमाके से। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस घर में बम धमाका हुआ है वहाँ पहले भी बम मिलने की सूचना पुलिस को मिली हुई थी, तो आखिरकार घर को सील क्यों नहीं किया गया? इतनी लापरवाही क्यों दिखाई गई? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी पुलिस चुस्त है, अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, और दूसरी तरफ पुलिस की देख रेख में ही अपराधियों का सिंडिकेट चलता है। ये बम धमाका देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। भागलपुर के पौस इलाके में बम का मिलना कहीं न कहीं ये संदेह की स्थिति पैदा करता है कि देश में असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व पुलिस की मिलीभगत से देश के अंदर दहशत फैलाने का जो काम कर रहे हैं उससे जनता में भय का माहौल बना हुआ है। आखिरकार पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती? बम का सामान कहाँ से आया? कौन लोग इस घटना में शामिल है? इस विषय में पुलिस के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। अभी तक कुल 8 लोगों का शव निकाला जा सकता है। कितना? 8 शव निकल चुका है। और भी निकल सकता है? हाँ, और भी निकल सकता है। क्या नाम है? राजेश पंडित। तो आप नहीं, भागलपुर में ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। 2018 में, 2020 में उसी घर में बम विस्फोट हुआ था, प्रशासन कोई चेती नहीं। इस बार भी जो बम ब्लास्ट हुआ है, 4 मकान तो ध्वस्त हो गए हैं, 7 जान, जो सुबह तक मुझे रिपोर्ट है, 7 जाने गई हैं, और प्रशासन कुछ भी नहीं। आखिर ये बम बन रहा है कि पुलिस को खबर कैसे नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लंबा लंबा बात करते हैं कि अपराध के लिए हमने ये किया, सारे पुलिस को लगाया है, और ये भागलपुर में इतना बड़ा बम विस्फोट पहले भी हुआ है 2018-2020 उसी घर में। जब तक पुलिस पापा खत्म हो गए, और मिलाती थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे पर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है, बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। ये मेरा मायका है, माँ का घर है, ससुराल मेरा कलकत्ता में है। अभी आए थे 9 बजे, रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है, मेरा नाम पिंकी है। कितना जोरदार धमाका था और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? देखिए, हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 12 की का समय हो रहा होगा, घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे। लगभग बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़, हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है कहीं, एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए, और चूंकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली, और निकलते निकलते हमने जेसीबी के लिए, और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है।